What's up guys, this is Guru Mahan. आज हम लगा रहे हैं ट्राइसेप डेफिनेशन की एक्सरसाइज और हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबल स्कल क्रशर इनक्लाइंड बेंच के ऊपर। आपको मालूम है कि हमें मैथ्स में जो एक्सरसाइज की ट्राइसेप्स की वो डीक्लाइन बेंच के ऊपर की थी, जिससे हमने डिफरेंट हेड को ट्रेन किया था लॉन्ग हेड के अंदर, और यहाँ पर हम इनक्लाइन बेंच पर लगा रहे हैं, मतलब हम ट्राइसेप के डिफरेंट मसल फाइबर को ट्रेन कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वेरिएशन से, और हमारा रेप रेंज यहाँ पर है 16 रेप्स। तो यहाँ पर हम फॉर्म की बात करते हैं। सो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो मेरी एल्बोस है वो मैंने एक बार यहाँ पर लॉक की है, वहीं पर रहेगी, एल्बोस को मूव नहीं कर रहा ज़्यादा, और मैं ऊपर लॉक नहीं कर रहा हूँ बारबेल को, और जब मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ तो मैं अपने हेड के बिल्कुल पीछे की तरफ बारबेल को लेकर जा रहा हूँ। मैं कंटिन्यू टेंशन रख रहा हूँ और यहाँ पर मेरी जो एल्बोस है वो सीलिंग की तरफ फेस कर रही है। लास्ट रेप में आप अच्छी तरह से ट्राइसेप को स्ट्रेच जरूर करें। ये हमारा थर्ड सेट है और आपको मालूम है कि आप वेट को इंक्रीज कर रहे हैं सेट बाय सेट, लेकिन आप रेप रेंज वहीं 16 रख रहे हैं, जिससे कि हमारा जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है वो एक्टिवेट होगा। ना स्लो ट्विच मसल फाइबर को एक्टिवेट करने के लिए आपकी रेप रेंज 15 से ज़्यादा चाहिए, और वही हम इस प्रोग्राम में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा रेप रेंज 16 है और हमारा जो वेट है वो भी हम मीडियम हैवी मीडियम वेट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम अपने स्लो ट्विच मसल फाइबर को एक्टिवेट कर सकें। हमारी ट्राइसेप डेफिनेशन की दूसरी एक्सरसाइज है केबल अंडर हैंड प्रेस डाउन। अब यहाँ पर आप देखें, ये एक्सरसाइज हमारी लैटरल हेड के लिए, ट्राइसेप का जो ट्राइसेप का बाहर का मसल आप देख रहे हैं उसको शार्प करने के लिए ये एक्सरसाइज है, और इसमें आप हैवी वेट का इस्तेमाल ना करें। आप ज़्यादा हैवी करेंगे तो आप बहुत अदर मसल को इसके साथ इन्वॉल्व करेंगे, और आपको बाकी किसी और भी मसल को इन्वॉल्व नहीं करना जब आप इस एक्सरसाइज को लगाएं। इसके साथ आपका जो लॉन्ग हेड ट्राइसेप का वो भी ट्रेन होता है। आप देखें यहाँ पर मैं लैट बार केबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, रेगुलर केबल की जगह मैं लैट बार केबल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने लॉन्ग हेड को भी अच्छी तरह से स्ट्रेच कर पाऊँ। जब वेट ऊपर जा रहा है आप देख रहे हैं तो मेरा लॉन्ग हेड स्ट्रेच हो रहा है। अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है तो आप लैट बार की केबल का इस्तेमाल करें, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। अब हम फॉर्म की बात करते हैं इस एक्सरसाइज में। आप यहाँ पर सीधे खड़े होंगे, लेफ्ट शोल्डर आपका फेस करेगा एंगल को, और जब आप केबल को नीचे पुल करें तो वो आपके चेस्ट के सामने से पुल होनी चाहिए। आप यहाँ पर जब नीचे लेकर आएँ आपने फुली एक्सटेंड करना है ट्राइसेप को, एंड आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके ट्राइसेप का जो फंक्शन है वो है एल्बो को एक्सटेंड करना। अगर आप यहाँ पर एल्बोस को ट्राइसेप को फुली एक्सटेंड नहीं करते तो आप लैटरल हेड है जो ट्राइसेप का वो ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो आपने ध्यान रखना, आप उतना ही वेट का इस्तेमाल करें कि आप अच्छी तरह से नीचे मसल को एक्सटेंड कर सकें, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकें ट्राइसेप को, वो ज़रूरी है। तो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है केबल किक बैक। आपने ये एक्सरसाइज डंबल के साथ तो बहुत बार लगाई होगी और लगा रहे होंगे, ये केबल के साथ है। केबल के साथ लगाने का हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फॉर्म का, क्योंकि हम यहाँ पर अपने कंट्रोल कर सकते हैं केबल के वेट को, अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डंबल में बहुत ज़्यादा लोग गलत तरीके से लगाते हैं, वो उनकी फॉर्म मैसी होती है, उनका सारी आर्म मूव कर रही होती है, उसके साथ शोल्डर, उसके साथ उनके लैट्स भी ट्रेन हो रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा हैवी डंबल का इस्तेमाल करते हैं और उनकी फॉर्म बिल्कुल गलत होती है, तो वो आपने नहीं करना। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट मैक्स आउट ऑफ इट तो आपको ये एक्सरसाइज ऐड करनी चाहिए, इससे आपकी जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही होगी और आप बेटर माइंड एंड मसल कनेक्शन बना सकते हैं। इस एक्सरसाइज में हम ट्राइसेप्स के 2 हेड को ट्रेन करते हैं, लैटरल हेड एंड लॉन्ग हेड। अगर आप देखें जो मेरा बाहर का मसल है ट्राइसेप्स का, तो वो है लैटरल आउटर ट्राइसेप एरिया,
तो वो एंगेज हो रहा है, वो ट्रेन हो रहा है, और जब मैं नीचे स्ट्रेच कर रहा हूँ उस समय मैं लॉन्ग हेड को भी ट्रेन कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आप ज़्यादा हैवी वेट का इस्तेमाल ना करें, उतना ही आप केबल की प्लेट्स ऐड करें जितनी आप कंट्रोल कर पाएं, और आपका शोल्डर और आपके एल्बो का जो एंगल है वो स्ट्रेट चाहिए, और आप शोल्डर एल्बोज को मूव नहीं करेंगे, सिर्फ आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना है माइंड एंड मसल कनेक्शन में, जिस तरह से आपको बार बार बोल रहा हूँ माइंड एंड मसल। अगर आप माइंड मसल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उस मसल ग्रो नहीं कर सकते। तो आपने फील करना है एवरी सिंगल रैप, आपने ट्राइसेप मसल के ऊपर आपने फील करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक माइंड एंड मसल कनेक्शन। और योर डेफिनेशन की लास्ट एक्सरसाइज है वो है बेंच डिप्स। और बेंच डिप में आपके पास दो बेंच होने चाहिए, और आपकी जो लोअर बैक है वो आपके बिल्कुल बेंच के बिल्कुल साथ होनी चाहिए जब आप डिप करें, और आपके जो हैंड्स का एंगल है वो आपके शोल्डर के पैरल चाहिए, ज़्यादा वाइड नहीं चाहिए। और आप यहाँ पर आप मीडियल को ट्रेन कर रहे हैं, जो मीडियल मसल है ट्राइसेप का वो ट्रेन हो रहा है। जो लोग थोड़े एडवांस है वो यहाँ पर अब वेट का इस्तेमाल करें, एक प्लेट जितनी भी आप पे डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर, लेकिन आपने रेप रेंज 16 ही रखनी है। और धीरे धीरे आप थोड़ा नीचे जाने की कोशिश करें जिससे आप ज़्यादा स्ट्रेच कर पाएंगे ट्राइसेप को, और जो मीडियल हेड है, जो स्मॉल मसल है, बहुत लोगों का ये वीक मसल है, वो अच्छी तरह से आप डिवेल्प कर पाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना आपके शोल्डर के ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन ना हो, अगर आप ज़्यादा बेंच से दूर रखते हैं अपनी बॉडी को तो आपके शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और वो गलत होगा, उससे आपके जो शोल्डर की इंजरी के चांस है वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये ध्यान रखना आपने कि अगर आपके शोल्डर की ऑलरेडी पेन है, अगर पेन होती है, तो आप दो बेंच की जगह एक बेंच का इस्तेमाल करें, मतलब आप अपने पैरों को ग्राउंड पर ही रख सकते हैं और दूसरे आप बेंच के ऊपर डिप लगाएं, तो आप अपनी बॉडी को बिल्कुल साथ रखें बेंच के, ताकि आपके शोल्डर ब्लेड्स के ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो। और जो लोग एडवांस है उनसे ईजी लग रहा है तो वो वेट ऐड करें। 16 रेप्स आपने लगानी है, ये हमारी फिनिशिंग एक्सरसाइज है। इसके बाद आपने पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन ज़रूर लेनी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट रिकवर यू डोंट ग्रो। टेक केयर गाइज़।